गाइज यार, मैंने सिंचैन एंड चॉप को बहुत बार समझाया है कि मेरे एटीएम कार्ड को ना यूज मत किया करो। गाइज अभी सिंचैन एंड चॉप ने ना मेरे एटीएम कार्ड से सारे पैसे खत्म कर दिए, और हाँ अभी मेरे पास ना बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ट्रायंगल भैया सॉरी, ये मेरी गलती नहीं है, ये सारा चॉप का आइडिया था। चॉप, सिंचैन बिल्कुल सही बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 1% भी सही नहीं बोल रहा, सारा प्लान इसका था। अरे चॉप झूठ मत बोल। सिंचैन तू क्यों झूठ बोल रहा है? गाइज मैं आप सभी को बता दूं, सिंचैन का प्लान था कि हम लोग ट्रायंगल भैया के एटीएम कार्ड से बहुत सारी लॉटरी जीतेंगे और उसके बाद हम लोग बिलियनेयर बन जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ तो अपोजिट हो गया, मेरे सारे पैसे गए, और तो और मेरी हालत ये देखो कि मेरे पास अब कपड़े भी नहीं है। लिटरली सिंचैन एंड चॉप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइज अभी मुझे वापस से ना बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, अभी खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। सिंचैन आज के बाद मेरा एटीएम कार्ड या चॉप तूने टच किया तो दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मैं माफ करता हूँ। चलो गाइज अभी ना मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे वापस से बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। यार फ्रैंगल भैया यार मुझे माफ कर दे, चॉप चल सॉरी मांग। अरे यार तू भी तो सॉरी मांग। सॉरी फ्रैंगल भैया। सॉरी फ्रैंगल भैया, आज से हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, एक और काम कर, अभी मैं माफ कर दूंगा तेरे को। फटाफट ना वीडियो को लाइक करवा दे और चैनल को सब्सक्राइब करवा दे, फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुम दोनों को माफ करूं या नहीं करूं यार। अरे इतने से काम? ये तो बहुत इजी है। गाइज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग कमेंट में लिख दो कि सिंचैन और चॉप को माफ कर दो। लो फ्रैंगल भैया सब कुछ हो गया यार। ठीक है सिंचैन एंड चॉप, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन गाइज मुझे ना वापस से बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, और हाँ अभी मुझे बाहर जाना चाहिए और लॉस एंजेलिस में कोई तो कोई काम करना चाहिए जिससे गाइस वापस से ना मेरे पास और सिंचैन के पास और चॉप के पास बहुत सारे पैसे हो। चलो चलो आ जाओ, हम तीनों जाते हैं और लॉस एंजेलिस में कड़ी मेहनत करके वापस से बहुत सारा पैसा कमाएंगे यार। फ्रैंगल भैया लेकिन मैं तो बच्चा हूँ और चॉप एनिमल, मतलब सारा काम आप करोगे। सिंचैन नहीं यार, सारा काम फ्रैंगल भैया नहीं, हम तीनों मिलके करेंगे और क्या। ठीक है अभी हम तीनों मिलके करेंगे, लेकिन हाँ हम करें तो करें क्या। गाइस अभी हमारे पास ना कार भी नहीं है ना बाइक है कि हम लॉस एंजेलिस जाएं। फ्रैंगल भैया हमारी कार बाइक तो बैंक वाले ले गए ना, अब तो हमें लॉस एंजेलिस पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चॉप मुझे पता है, फिलहाल सिंचैन एंड चॉप हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि गाइस घर में रह के कोई फायदा नहीं है, घर में बैठे बैठे हमारे पास पैसे नहीं आने वाले। अभी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लॉस एंजेलिस जाते हैं, और हाँ सिंचैन हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी है जिससे हमारे पास वापस से बहुत सारे पैसे हो जाए यार। फ्रैंगल भैया सही बोल रहे हो, मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, सिंचैन को समझा दो। अरे चॉप मैं भी बहुत ज्यादा मेहनती हूँ यार। सिंचैन एंड चॉप ये बात तो मुझे ही पता है कि तुम दोनों कितने ज्यादा मेहनती हो। गाइज ये दोनों एक बार सोते है ना तो बिल्कुल जब तक सोते हैं जब तक इनको उठाना दे, और ये दोनों बात करते मेहनत की। नहीं नहीं सिंचैन एंड चॉप मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। गाइज मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। चलो अभी लॉस एंजेलिस जाते हैं। सिंचैन यार हमें लॉटरी नहीं खेलना चाहिए था। सही बोल रहे चॉप, अभी हम लोग लॉटरी नहीं खेलते तो हम लोगों के पास घर में बहुत सारे पैसे होते और हमें बाहर नहीं जाना पड़ते यार। और तो और मुझे काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन गाइज अभी मुझे लॉस एंजेलिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी और काम भी करना पड़ेगा। और हाँ गाइज आप लोग चाहते हो कि मुझे काम जल्द से जल्द मिल जाए, उसके लिए आप लोग को ना फटाफट से वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना होगा। ट्रायंगल भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछ, कौन सा क्वेश्चन है यार? ट्रायंगल भैया हम लोग काम कौन सा करेंगे? सिंचैन फिलहाल मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी काम मिलेगा ना मैं वो काम कर लूंगा जिससे गाइज मेरे पे ना थोड़े तो पैसे आए। और गाइज आप लोग तो पता ही है काम ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है, और लिटरली मैं अरे यार पैर भी फिसल गया। लो गाइस चोट लगते लगते बच गया, आराम से आना तुम दोनों कहीं गिर जाओ। फ्रैंगल भैया टेंशन मत लो, हम लोग तो आराम से आ रहे हैं, फटाफट यहाँ से चलो यार। वैसे गाइस अभी पैदल आते आते ना मेरे पैरों में दर्द हो गया लिटरली में। अभी मुझे एक काम करना है, फटाफट से ना आसपास में काम ढूंढना है। सिंचैन आसपास में कुछ भी दिखे, मैकेनिक की दुकान या गैरेज या कुछ भी मेरे को बताइयो। और गाइस वेट, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, जाते हैं और रेस्टोरेंट में ना काम मांगते हैं, क्या पता हमें यहाँ पे काम मिल जाए, और गाइस रेस्टोरेंट में खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। सिंचैन
हमें खाना भी मिलेगा और काम भी, मजा आ जाएगा। सुनिए सर, यहाँ पे मेरे लिए कोई काम है क्या? अरे मैं यहाँ खुद काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वेटर का काम करता हूँ भाई। जाओ जाओ, तुम मेरी नौकरी खाने आए हो क्या यहाँ पे? नहीं यार, मुझे भी काम चाहिए और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि मुझे काम मिल जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हें काम नहीं मिलेगा, ठीक है जाओ यहाँ से। बाल तुम्हें आ गए मेरे को टक्कर देने के लिए। जाओ जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना? ठीक है गाइस, वैसे भी ये रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली है तो यहाँ पे काम क्या ही होगा। वेट, आई थिंक मुझे जाना चाहिए उस साइड में, और वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, सिंचैन एंड चॉप। जल्दी आ जाओ, वहाँ फटाफट जाते हैं और देखते हैं, क्या पता हमें वहाँ कोई काम मिल जाए। गाइस मुझे लगता है ना, उस वाले रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये वाला रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली था, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे काम मिल जाएगा मेरे को। फ्रैंकल भी है, वो तो अब जाके पता चले गए। अच्छा चल, जल्दी जल्दी चल। हाँ हाँ, मैं भी चल रहा हूँ। गाइस काश फ्रैंकल भैया को कोई काम मिल जाए यार, मैं और सिंचन फ्रैंकल भैया की पूरी हेल्प करेंगे। हाँ चुप, हेल्प तो करेंगे। फ्रैंकल भैया देखो, काम मांगी यार। हाँ सिंचन, मैं ट्राई कर तो रहा हूँ। चलो गाइस, यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे काम मिलता है कि नहीं। आए, ये कौन गरीब है, इसके पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है। चलो यहाँ से निकलो, ये गरीब यहाँ रेस्टोरेंट में क्या करने आया है? एक मिनट, मुझे यहाँ पे काम चाहिए। ऐ तो मेरे रेस्टोरेंट से निकल जाओ, तुम्हारे वजह से मेरे सारे कस्टमर चले जा रहे हैं। गरीब कहीं के, अरे मारो इसको, ये गरीब मेरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया। ए वेटर्स, इसको मारो थोड़ा सा। अरे आए सर जी, आए तेरे को सुनाई नहीं देती तू यहाँ पे? गाइस यार, मैंने तो बस काम मांगा था और ये लोग मेरे से फाइट करने लग गए और मुझे गरीब बोल रहे हैं। लिटरली में गाइस, ये लोग मुझे मिलके मार रहे हैं। सिंचैन, अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। अब मैं उठा, ये लोग गए यार। फ्रैंकल भैया उठो ना, उठा उठा, क्या बोल रहे हो, उठ जाओ। ए फ्रैंकल भैया पे हाथ मत छोड़ो, समझ गए? गाइस यार, अब तो ये गया और ये ले। अरे क्या किया रे, बाप रे, ये तो बहुत मार रहा है। अरे भागो रहा है। अरे अब भागने भी नहीं देंगे, मारो फ्रैंकल भैया इसको, मारो। अरे एक मिनट सिंचन, अभी एक बार बताता हूँ, और ये ले। लिटरली गाइस, अभी इसके टांगों में एक लात और ये ले। लिटरली गाइस, मैं चाहता नहीं था कि मैं फाइट करूँ, मैं तो यहाँ पे आया था काम मांगने के लिए। सिंचन, अभी पुलिस आ जाए उससे पहले यहाँ से निकल जा, वरना हम लोग तो सीधे जेल में जाएंगे यार। फ्रैंकल भाई सही बात है, चलो चलो हम लोग फटाफट यहाँ से चलते हैं। गाइस आप ही लोग बताओ, फ्रैंकल भाई और मैं तो सिर्फ काम मांग रही थी, इतने में ये लोग लड़ाई करने लगे। कोई बात नहीं सिंचन, छोड़, हम लोग यहाँ पे अब काम नहीं मांगेंगे। फ्रैंकल भाई चलो कहीं आगे, वहाँ पे काम मांग के देखते हैं यार। हाँ हाँ चौक, मुझे पता है गाइस, और मुझे वो लोग गरीब गरीब बोल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं गरीब हो तो क्या हुआ। लेकिन हाँ गाइस, वो लोग मेरे से फाइट भी कर रहे थे और मुझे मार भी रहे थे, आप लोगों ने देखा ना। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और कहीं और जाते हैं और वहाँ पे काम मांगते हैं, देखते हैं गाइस कि हमें काम मिलता है या नहीं मिलता है। यार फ्रैंकल भैया, काम तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि गाइस आपको पता ही है फ्रैंकल भैया को सारे काम आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, मतलब ए टू जेड आता है फ्रैंकल भैया को। हाँ हाँ, मुझे सारा काम आता है। गाइस अभी आप लोग बताओ, मैं कौन सा काम करूं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो। फ्रैंकल भी है, पहले काम तो मिल जाए तब आप फायदा देखना, ठीक है? ओके गाइस, अभी फिलहाल ना काम ढूंढते ढूंढते मैं बहुत जगह गया, लेकिन अभी तक मुझे कहीं काम नहीं मिला। सिंचैन ये देख, बगल में कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या पता हमें यहाँ पे कोई काम मिल जाए, क्या बोलता है, ट्राई करूँ क्या मैं? फ्रैंकल भी है, पिछले वाले कंस्ट्रक्शन साइट से भी तो आपको धक्के मार के बाहर कर दिया, यहाँ धक्के मार के बाहर कर देंगे तो क्या करोगे? एक बार और ट्राई करता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे जॉब तो करना ही है, और हाँ मुझे जब तक काम नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। चलो एक बार अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मुझे काम मिलता है या नहीं मिलता यार। फ्रैंकल भी है, मैं तो चाहता हूँ मिल जाए। चल तू, और तुम, मैं क्या, मैं भी तो चाहता हूँ कि फ्रैंकल भैया को काम मिले। और यहाँ काम मिल जाएगा क्या अंकल? नहीं नहीं, यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो वैसे भी अकेले मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लोग के लिए कोई काम नहीं है यार। फ्रैंकल भी है, एक बार अंदर जाके बात करते हैं। अंकल हमें काम की बहुत जरूरत है। बच्चे मेरे पास खुद मेरा काम है, और हाँ अभी मालिक आए नहीं है कि तुमको कोई काम देगा, मैं खुद अकेले यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक काम करो, कहीं और ट्राई करो, यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें काम मिलेगा। फ्रैंकल भैया मैं भी यार आपको क्या बोलूं, हम लोग इतना काम ढूंढ रहे थे, हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है। सिंचैन देखते हैं, हमें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। गाइस आगे जाते हैं और ट्राई करते हैं,
और गाइस देखते हैं कि हमें काम मिलता है या नहीं मिलता है। चलो चलो अभी फटाफट चलो, हमें आगे जाना है और बहुत आगे जाना है और देखना है कि हमें काम कहाँ मिलेगा यार। फ्रैंकल भी है, ऐसे चलते चलते पूरा अर्थ का चक्कर मत मार लेना। सुनजान इतनी एनर्जी नहीं है जो हम लोग पूरे अर्थ का चक्कर मार लें। गाइस यार ये तो हमें काम करना चाहिए और ये दोनों बकवास कर रहे हैं लिटरली में। यार तुम दोनों ना बहुत ज्यादा अजीब हो गाइस, हर सिचुएशन में ना मजाक करते रहेंगे और आपस में लड़ते भी रहेंगे यार। फ्रैंकल भी है, यहाँ से तो गर्म हवा निकल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, बाहर वो भी गर्म हवा है। फ्रैंकल भी आपको क्या लगता है ये क्या है? सिंचन शायद नीचे कोई बहुत बड़ी मशीन हो जो गर्म हवा फेंक रही हो, लिटरली गाइस कुछ भी हो सकता है। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या काम मिलता है। सिंचन जल्द से जल्द ना वीडियो को लाइक करवा, जैसी लाइक होगा वैसे ही हमें काम मिल जाएगा यार। फ्रैंकल भाई सही बात बोल रहे हो, गाइस आप लोग लाइक कर दो प्लीज यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हमें काम मिल जाए। ये देखो क्या पता यहाँ काम मिल जाए। अंकल यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या है? काम तो मिल जाएगा, लेकिन बच्चे मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। हाँ इस आदमी को काम मिल जाएगा। क्या मुझे काम मिल जाएगा? हाँ हाँ मैं अकेला हूँ और मेरी इतनी बड़ी शॉप है और ये फर्नीचर की शॉप है और मैं अकेले इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए मुझे एक आदमी तो चाहिए जो मेरे पूरे शॉप को संभाल सके यार। अंकल आप टेंशन मत लो, इस काम के लिए फ्रैंकल भी मैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार। अच्छा मतलब आ जाओ मैं तुम्हें काम देता हूँ। और हाँ जब तक काम मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं तुम्हारी सैलरी बताऊंगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है बस मुझे काम मिल जाए, उसके बाद तो गाइस मैं सैलरी बहुत अच्छी ले लूंगा। अरे हाँ हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो डन है, तुम एक काम करो मैं तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ। ये देखो हमारे पास सभी आइटम्स हैं जो फर्नीचर में होते हैं, जैसे कि बेड, सोफा, टेबल, लैंप्स, हर एक आइटम। बस तुम याद रखना कि तुम्हें हर एक आइटम को ढंग से बेचना है और कस्टमर से ढंग से बात करना है। अंकल आप बस इतना बताओ हम लोग काम करना शुरू कर दे क्या है? अरे हाँ हाँ तुम काम कर सकते हो। और ये डॉगी कहाँ से आ गया? ये डॉगी बाहर निकल यहाँ से। अरे अरे अंकल मैं इनके साथ हूँ, मुझे बाहर मत भगाओ। अच्छा इन्हीं के साथ हो, ये तो बढ़िया है, हमारे शॉप में कोई चोरी भी नहीं करेगा। ये डॉगी हमारे शॉप में होगा तो बढ़िया ही है। हाँ फिर ठीक है, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? बिना कपड़ों के मेरे दुकान में तुम काम कैसे करोगे? सर क्या बताऊँ मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। एक काम करो ऑफिस में जाओ और कपड़े पहन लो, बहुत सारे कपड़े रखे हैं मेरे ऑफिस में। ठीक है गाइस अभी जाता हूँ और फटाफट से कपड़े चेंज करके आता हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ मैं। ऑल राइट गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने कपड़े पहन लिए हैं और हाँ अभी मैं इस शॉप में काम करने वाला हूँ। और आप लोग देखो इतनी बड़ी दुकान है वो भी फर्नीचर की। हाँ हाँ सुन लो, यहाँ पे सभी आइटम्स जितने भी बेड्स हैं इन सभी को 1 लाख के ऊपर बेचना है और इन सोफास को 20,000 के ऊपर और वहाँ पे जो टेबल रखे हैं उन टेबल्स को 25,000 के ऊपर। बाकी तुम वैसे भी समझदार लगते हो और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह इस शॉप को चलाना, ठीक है ना? हाँ अंकल, ये बेड ले लो, बेड ले लो, एक बेड के साथ एक लैंप फ्री, एक बेड के साथ एक लैंप फ्री, जल्दी आ जाओ। अबे सिंचन अपने आप ऑफर मत निकाल, जब मैं बोलूँ ना तब निकाल लियो। गाइस अभी मैं सारा काम समझ गया हूँ, मुझे बेड्स को ना 1 लाख के ऊपर बेचना है और बाकी सारा सामान ना 20,000 से लेके 30,000 के बीच में। लिटरली गाइस मुझे काम मिल गया। और हाँ इसी बात में आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ठीक है, अभी मेरा काम खत्म हुआ, अभी मैं सीधा शाम में आऊँगा। और हाँ तुम सारा काम ध्यान से करना, और मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब में रख लूँगा, और तुमने काम अच्छे से नहीं किया तो मैं तुम्हें शाम में जॉब से निकाल दूँगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार? ठीक है सर। ऑल राइट गाइस अभी आप लोग देखो इतने बड़े फर्नीचर शॉप में मैं काम कर रहा हूँ और हाँ मुझे यहाँ पे ना काम बहुत बढ़िया करना है जिससे गाइस मुझे ये जॉब मिल जाए। सिंचन एंड चॉप हमें ना फटाफट से सभी कस्टमर्स को ये बेचना होगा, लेकिन गाइस अभी तो यहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। सिंचन एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और बाहर से बुला के लाते हैं कस्टमर्स को। अरे यही दुकान है ना?
हाँ हाँ आइए सर आइए, क्या चाहिए आपको? अरे हमें बेड चाहिए था, हमारे पास बेड ही नहीं है घर में। अच्छा बताओ यहाँ पे बेड कितने रुपए के मिल जाएंगे भाई? आइए सर मैं आपको सारे बेड दिखाता हूँ। सिंचन अभी साइड हट जा, मुझे अपना काम करने दे, ठीक है ना? हाँ फ्रेंक भी आप टेंशन मत लो। अंकल आप आराम से देखो बेड। अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे बेड कितने से कितने तक के मिल जाएंगे भाई? एक मिनट, पहले आपको कितना बड़ा बेड चाहिए ये बताइए, सिंगल बेड, डबल बेड या उससे भी बड़ा? हमें चाहिए डबल, नहीं ट्रिपल बेड चाहिए या डबल बेड? ठीक है वो तो पूरे 5 लाख का है। और हाँ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के गद्दे हैं, तकिए हैं, और हाँ उसमें जो यूज लकड़ियां हैं बहुत ज्यादा मजबूत हैं यार। अरे भाई 5 लाख, 5 लाख तो ज्यादा बोल रहे हो। अंकल हमारी बात सुनो, 5 लाख कम होते हैं समझ गए? आप देखो जब आप बेड में सो जाओगे तो आपको 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं लगेंगे। और तो और ये बेड्स देखो, आप जो डबल बेड से बड़े बोल रहे हो, ये रेड वाला बहुत बड़ा है, बाकी इनमें जो गद्दे लगे हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसे आप सोगे नींद आ जाएगा। अरे ये तो रेड बेड है ना फ्रैंकल भैया, ये तो बहुत महंगा, ये क्यों बेच रहे हो? ये तो 10 लाख का था ना फ्रैंकल भैया, 10 लाख का बेड है ये तो। अरे भाई अभी तुमने बोला है 5 लाख में दोगे, हम तो 5 लाख में ही लेंगे ये बेड, ठीक है? ठीक है सिंचन कोई बात नहीं, हम ये वाला बेड 5 लाख में दे देंगे। लेकिन सर आपको कौन सा बेड चाहिए ये तो बताइए। ये देखिए जिसके ऊपर मैं हूँ ये डबल बेड है, और जिसके ऊपर मैं हूँ ये डबल बेड से बड़ा बेड है, ये 10 लाख का है लेकिन आपको डिस्काउंट दे के पूरे 5 लाख का है यार। अरे भाई हमें रेड वाला बेड चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे यार आज तो अंकल को बहुत डिस्काउंट मिल गया है। अरे बच्चे आए तुम्हारी दुकान में तो डिस्काउंट तो लेंगे ही ना, पूरे 50% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है भाई हमें ये रेड बेड दे दो, बाकी सारे सामान इसके ऊपर रख दो, ठीक है? ठीक है और पैसे फटाक से। आज तो मजा आ गया, पूरे 5 लाख रुपए में इतना बढ़िया बेड मिल गया। ओए ऊपर सामान रख दिया तुमने? हाँ भाई रख दिया तकिए भी रख दिए। ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है भाई? ठीक है और सामान चाहिए होगा तो वापस आइएगा। गाइस यार वो देखो वो भाग के जा रहा है, और हाँ हमने 1 लाख का सामान पूरे 5 लाख में बेचा। वाओ यार हम तो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं। सही बोलो सिंचन। गाइस आप लोग देख सकते हो फ्रैंकल भी और सिंचन ऐसे ही बेच रहे थे जैसे ये अपनी ही दुकान हुई यार। वेट लेकिन ये हमारी दुकान नहीं है, लेकिन तू इन सोफास के ऊपर क्यों बैठा है? नीचे उधर चौक ये गंदे हो जाएंगे, ठीक है ना? और इसके बाद इन्हें कोई खरीदेगा नहीं यार। फ्रैंकल भी ये बैठने दो ना। ए चुप, वहाँ आऊंगा ना तो तुझे सोफा से नीचे गिरा दूंगा। अच्छा ऐसी बात है। गाइस यार चॉप बहुत गंदा है, चॉप तो नीचे उतर भी नहीं रहा, चॉप नीचे उतर जा। ऑल राइट गाइस चॉप तो गिर गया, चलो अभी फिलहाल नीचे उतर गया है, अब ऊपर मत बैठियो वरना इस बार ना तुझे फेंक दूंगा। गाइस अभी कस्टमर्स को ना बाहर जाके बोलना पड़ेगा। अरे सुनिए हमारे फर्नीचर की दुकान में बहुत बढ़िया ऑफर है, आइए आइए और फर्नीचर से लीजिए, बेड टेबल कुर्सी जो मांगिए वो मिलेगा। सुनिए सर आपको फर्नीचर चाहिए? अरे फर्नीचर हाँ, लास्ट टाइम मुझे कुछ लेना था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ बेड चाहिए, आओ मैं देख लेता हूँ तुम्हारे शॉप में कैसे कैसे बेड्स हैं। वैसे भी मुझे जल्द से जल्द एक नया बेड लेना था। फ्रैंकल भैया इनको वो वाला बेड मत बेचना जो पूरे 12 लाख का है, बहुत महंगा बेड है समझ गए? अरे कौन सा बेड है जो मैं नहीं ले सकता, कौन सा बेड है भाई दिखाओ 12 लाख वाला? अंकल छोड़ दो वो आपके लायक बेड नहीं है, आपको छोटा मोटा बेड देख लो, ठीक है? नहीं नहीं मैं तो वही देखूंगा। आइए सर मैं आपको क्या दिखाऊं? मुझे बेड चाहिए, और ये बच्चा कौन से बेड की बात कर रहा है जो बहुत ज्यादा महंगा है? ये जिसमें मैं खड़ा हूँ और हमारे फ्रैंकल भी सो रहे हैं। हाँ सर इसके जो गद्दे है ना बहुत ज्यादा मोटे हैं और इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं क्या ये बताऊं। लेकिन हाँ ये बेड पूरे 12 लाख का है, लेकिन आपको डिस्काउंट देके पूरे 10 लाख का, और फ्री में एक लैंप मिलेगा आपको। अरे फ्रैंकल भी आपने डिस्काउंट भी दे दिया है। अरे यार अरे मेरे को ये बेड दे दो पूरे डिस्काउंट देके, और हाँ तुमने बोला एक लैंप फ्री मिलेगा। हाँ एक लैंप भी मिलेगा। गाइस मैं 1 लाख का बेड पूरे 10 लाख में बेच रहा हूँ, फ्री में एक लैंप तो दे ही सकता हूँ। हाँ सर आपको लैंप दे दूंगा मैं। फ्रैंकल भैया यार एक लैंप देना पड़ गया, पर कोई बात नहीं अंकल आप हमारी दुकान आते रहिएगा। हाँ बच्चे जो सामान मुझे पसंद आता है मैं वो ले लेता हूँ, और हाँ अबे मुझे 2 लाख का प्रॉफिट भी तो हुआ, पूरे 12 लाख का बेड मैंने 10 लाख में ले लिया। चलो थैंक यू
तुमने मुझे इतना अच्छा बैट दिया और इसके गद्दे देखो कितने ज्यादा बढ़िया हैं। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। ऑलराइट गाइस, ये तो जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, और कभी आऊँगा। मुझे वैसे भी घर का बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे कि फर्नीचर्स में सोफा, कुर्सी और बहुत कुछ। मजा आ गया आज तो। वाह भाई साहब, मजा आ गया है। बहुत सस्ता बैठता है और हमने बहुत महंगे में बेच दिया है। ओए ओए, ये कितने का है, ये कितने का है बताओ ना। एक मिनट गाइस, यहाँ तो बहुत सारे कस्टमर एक साथ आ गए। सिंचैन, अभी जाता हूँ और उनको हैंडल करता हूँ। सुनिए सर, क्या चाहिए आपको? अरे हमें टेबल चाहिए था, हम सभी दोस्त एक साथ आए हैं, आज हमें टेबल लेना है यार। एक मिनट, मैं जान सकता हूँ कि आपको क्यों चाहिए टेबल? खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए या स्टडीज के लिए? यार हमें हर तरीके का टेबल चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं आज अच्छी से अच्छा टेबल लेके जाए आपकी शॉप से। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास जितने भी टेबल हैं सारे टेबल बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन हाँ कोई बड़ा है कोई छोटा है और इन सभी के प्राइस थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जैसे कि कोई 20,000 का है, कोई 10,000 का है और कोई 25,000 का है यार। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप हमें टेबल और टेबल की मजबूती दिखाओ, आज हम आपकी दुकान से सारे टेबल लेके चले जाएंगे। वैसे गाइस ये तो बहुत बढ़िया मौका है, ये देखिए हमारे टेबल की मजबूती। आराम से कूद जाइए, सो जाइए, कुछ भी करिए, इस टेबल में कुछ भी नहीं होगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं इतने सारे टेबल और बहुत सारे मजबूत टेबल हैं ये तो। अरे हाँ, बात तो सही बोल रहा है ये बच्चा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। बढ़िया, ये टेबल कितने का है बड़े वाला? ये बड़े वाला तो पूरे 90,000 का है, कोई 15,000 का है और कोई 25,000 का, और ये व्हाइट वाला पूरे 1,20,000 का। लिटरली में यार ये बहुत महंगा है। ठीक है एक काम करो, तुम हमें टोटल बिल बताओ और सारे टेबल पैक कर दो। क्या एक साथ ही सारे टेबल आपको चाहिए? गाइस मजा ही आ गया। एक मिनट मैं टोटल अमाउंट बताता हूँ आप सभी को। 1,00,000 इसके, 90,000 इसके, टोटल अमाउंट गाइस 3,00,000 रुपए होते हैं। ठीक है ये लो। ऑल राइट गाइस, अभी मैंने सारे टेबल बेच दिए और आप लोग देखो हमें पूरे 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लिटरली में गाइस आज तो मजा आ गया। सिंचैन अभी फटाफट से ना और सारा सामान जल्द से जल्द बेचना है। और चॉप, चॉप कहाँ गया भाई? चॉप तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। अरे मैं तो बेड में भाई आराम कर रहा हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो अब तो मैं बेड में एंजॉय कर रहा हूँ यार। यार ये चॉप को ना मैंने बहुत बार समझाया कि बेड में सोफा में मत बैठ, लेकिन ये चॉप का बच्चा ना बार बार बैठ जाता है। चॉप सीधी तरह नीचे उतर जा, वरना सोच रहा मैं क्या करूंगा यार। फ्रैंकल भैया, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं, नीचे नहीं, धक्का मत दो फ्रैंकल भैया। ये ले गाइस, यार चॉप वापस गिर गया। लगी ना चोट तेरे को? चोट तो नहीं लगी, लेकिन गाइस मुझे अच्छा नहीं लगा कि फ्रैंकल भैया ने मुझे धक्का दिया। अरे यार चॉप, ये सारी बातें छोड़, फ्रैंकल भैया और कस्टमर लाओ। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल ना और सभी कस्टमर्स को बताता हूँ कि हमारे फर्नीचर शॉप में 50% का ऑफ चल रहा है और उसके साथ हम बहुत सारे गिफ्ट देंगे, जैसे लैंप, टेबल, चेयर्स। आइए फटाफट हमारे फर्नीचर शॉप में आइए यार। शाम हो गई है, चलो जाके देखता हूँ कि आज मेरे फर्नीचर शॉप में कितनी सारी सेलिंग हुई है। वैसे भी रोज तो कोई सेलिंग होती नहीं है, आज भी कुछ हुई नहीं होगी। अरे ये सारे फर्नीचर कहाँ चले गए? अरे बच्चे ये सारे पैसे, इतने सारे पैसे, इतने में तो मेरी पूरी दुकान बिक जाएगी, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए यार? अंकल हमने एक एक सामान 10 गुना प्रॉफिट में बेचा है और आपको पता है सारा सामान बिकने वाला है, बस 2-3 सामान रह गए अंकल। अरे भाई साहब मानना पड़ेगा, बच्चे मानना पड़ेगा कि तुमने सारा सामान 2 गुने प्रॉफिट में नहीं 10 गुने प्रॉफिट में बेचा है, तो मैं आज से मैं अपने दुकान में रखता हूँ। नहीं, एक मिनट, अभी तो आपने बोला कि आप मुझे दुकान में रखोगे, अभी मना कर रहे हो? नहीं मना इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरी दुकान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ही हो इस दुकान के हकदार जो इस दुकान को चला सकते हो। मैं पिछले 1 महीने में एक भी फर्नीचर नहीं बेच पाया, लेकिन तुमने 1 दिन में पूरी दुकान खाली कर दी और सारा सामान बेच दिया, वो भी 10 गुने दाम में। मानना पड़ेगा तुम एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो यार। अंकल थैंक यू सो मच, आपने हमें ये दुकान दे दी, फ्रैंकल भी है, अब तो रियल मजा आ गया यार। सिंचैन सही बोल रहा है, गाइस आप लोग देख सकते हो अब तो हमारे पास अपनी फर्नीचर की दुकान बन गई। अंकल थैंक यू सो मच आपको। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सारे पैसे तुम रख लो और इन पैसों से वापस से तुम
फर्नीचर से लेके आना और इस दुकान को चलाना। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरा बिजनेस करता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी ये लोग बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे भी हैं कि इन लोगों ने पूरे दिन में सारे फर्नीचर बेच दिए। मैं जाता हूँ और कोई और शॉप खोलता हूँ। हाँ, कार का शोरूम खोलता हूँ मैं इस बार। फ्रैंक भैया, वो अंकल बड़े अमीर थे यार। गाइस आप लोग देख सकते हो, उन अंकल ने हमसे एक रुपए भी नहीं लिए और उल्टा ये दुकान भी हमको दे दी। गाइस मानना पड़ेगा, आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। और गाइस इतने सारे पैसे, लिटरली में इतने सारे पैसे मैंने कभी देखे भी नहीं थे। लेकिन हाँ गाइस, हमने सारे पैसे ना कमाए हैं। और तो और गाइस, हम लोगों ने फर्नीचर शॉप से बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया है। चलो आज तो थोड़ा सा मन रह गया, लेकिन ना हमें फटाफट से ना अपनी शॉप को बंद करना चाहिए। गाइस अब तो रात ही हो गई है, चलो अब हम अपनी दुकान बंद करते हैं। सही बोल रहा है सिंचन। चलो गाइस अब हम अपनी दुकान बंद करते हैं। चले 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 फ्रैंक भैया, सारे पैसे अपनी गाड़ी, गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी नहीं खरीदोगे क्या फ्रैंक भैया? नहीं यार, अभी गाड़ी तो नहीं। लेकिन हाँ गाइस, आज आपको ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।